Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. कोरोना से इस संकट के समय में वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ शुरू हुआ धन्ना भगत अन्नदान अभियान अब युद्ध स्तर पर टोंक जिले के अंदर पहुंच चुका है और अपने लक्ष्य से कहीं आगे जाकर यह अभियान लोगों की मदद के लिए दो वक्त की रोटी के सहायता के लिए जो शुरू किया था जाट समाज ने वह युद्ध स्तर पर अब अपने अंतिम चरण में है और किसी भी क्षण इस अभियान के तहत 2000 क्विंटल गेहूं और सरसों चने की दाल सरसों का तेल सहित ये सामग्री जिला प्रशासन को सौंपने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निवाई चाकसू के अंदर आटे की पैकिंग का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर इस अभियान से जुड़े कोरोना वॉरियर्स इस सब की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि समय पर यह अभियान पूरा हो। अपने लक्ष्य को भले ही क्रॉस करने के बाद बहुत आगे बढ़ चुका है यह अभियान, लेकिन सबका एक ही मकसद है कि जाट समाज ने धन्ना भगत अन्नदान अभियान जो चालू किया था, इससे आम जरूरत गरीब लोगों को कुछ मिल सके, कुछ सहायता मिल सके। और इसकी तैयारियों के लिए अब आटे के कट्टों की पैकिंग होने के साथ ही उनकी डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है। फैक्ट्रियों से माल लोड किया जा रहा है जिससे ये सारी सामग्री प्रशासन के सुपुर्द की जा सके और उसके बाद में एक सिस्टम के तहत योजनाबद्ध तरीके से इसे टोंक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ये अन्नदान की सामग्री पहुंचाकर उनकी मदद की जा सके। वाकई सच्चे अर्थों में सही अर्थों में इस योजना की जिसने भी रूपरेखा तैयार की उन सबको हम सैल्यूट करते हैं, इन कोरोना वॉरियर्स को, समाज के उन तमाम लोगों को, जाट समाज के तमाम उन लोगों को जिन्होंने किसी भी रूप में सहायता के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसे सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। जरूरत है राजस्थान के अंदर ऐसे ही अभियानों की, ऐसे ही अन्नदान अभियानों की जिससे इस कोरोना की लड़ाई को बेहतर ढंग से टोंक के साथ राजस्थान और देश भर में लड़ा जा सके। तो उस सूरत में यह अभियान अब देश के अन्य राज्यों तक और पूरे देश में फैलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बधाई के पात्र हैं वह सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने इस अभियान के अंदर अपना योगदान दिया, इसकी रूपरेखा बनाई और अब ये अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। संत धन्ना भगत की तपोस्थली जहां से ये प्रेरणा मिली थी और वीर तेजाजी के जयकारों के साथ ये अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, तारीफ के काबिल है यह अभियान। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहे।